देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि विदेशी स्तर से भारत को मेडिकल के सामान की जो सुविधा दी जा रही है वो सुविधा देश के राज्यों को नहीं मिल पा रही है और लगातार ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी और दवाइयों की कमी आज देखने को मिल रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम केयर फंड में जमा हुई राशि को खर्च करने की सलाह दी है। दरअसल 12 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में लगातार खराब हो रहे हालात पर ध्यान देने के लिए कहा। इसके साथ ही पीएम केयर फंड में जमा हुई राशि को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व अन्य जरूरी सामानों पर खर्च करने के लिए सलाह देते हुए कहा कि अब तो मोदी सरकार को पीएम केयर फंड से पैसे निकालकर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवाइयां और ऑक्सीजन खरीदना चाहिए और कृषि बिल रद्द करके किसानों को बड़ी राहत दी जानी चाहिए। अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि विदेशी स्तर से बड़ी संख्या में दवाइयां व अन्य जरूरी चीजें पहुंचाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ना ही ऑक्सीजन की कमी है, इसके साथ ही अगर बात करें तो अन्य कई जरूरी चीज़ों की भी कमियां देखने को मिल रही हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।